स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों, नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल चार्ट के सेकंड लेक्चर में मीन चार्ट, जिसे एक्स बार चार्ट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल चार्ट के डेफिनेशन और उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उसे नहीं वॉच किया है तो सबसे पहले आप जाके यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जा करके कंट्रोल चार्ट के फर्स्ट लेक्चर को वॉच करिए, फिर सेकंड लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आज हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे मीन चार्ट और एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट चेक द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। एक्स बार क्या चार्ट क्या करता है, किसी भी डेटा के एक्यूरेसी को चेक करता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ एवरेज वैल्यू टू द टारगेट वैल्यू। कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी जो है वो एवरेज वैल्यू और टारगेट वैल्यू के बीच के क्लोजनेस को शो करता है या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रश्न ये उठता है कि टारगेट वैल्यू क्या होता है, टारगेट वैल्यू क्या होता है। किसी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी कस्टमर हमसे चाहता है उसे टारगेट वैल्यू बोलते हैं। मान लो आपसे कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर हाइट चाहता है, बट जब हम प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं तो उसके हर पार्ट की हाइट में वेरिएशन होने के कारण वह प्रॉपर हाइट नहीं बना पाते हैं जो हमारा टारगेट होता है, जो कस्टमर हमसे चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम हर पार्ट के एवरेज हाइट निकालते हैं, जिसे हम एवरेज हाइट बोलते हैं, और अपना टारगेट हाइट को पूरा करते हैं। यह एवरेज हाइट जितना टारगेट हाइट के नियर होगा वह प्रोडक्ट उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक, तो इस प्रक्रिया में एक्स बार चार्ट की बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए हम एक्स बार चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम बात करते हैं कि एक्स बार चार्ट रियल में होता क्या है। तो इट कंट्रोल जनरल वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड इज अफेक्टेड बाय चेंज्ड इन प्रोसेस वेरिएबिलिटी। कहने का मतलब है एक्स बार चार्ट जो है एवरेज प्रोसेस के चेंज या बदलाव को और उसके प्रभाव को शो करता है। इट इज़ अ चार्ट फॉर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यह एक चार्ट होता है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करता है। इट शो साइक्लिक शिफ्ट्स इन द प्रोसेस। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स चार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, आइए फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल लाइन, जिसे हम सी एल बोलते हैं, इसे एक्स डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक्स डबल बार का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा है अपर कंट्रोल लाइन, इसे बोलते हैं यू सी एल। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस 3R bar अपॉन D2 अंडर रूट n इफ D2 गिवन। ठीक है स्टूडेंट, और इसका दूसरा फार्मूला है यू सी एल इक्वल टू होता है x डबल बार प्लस A2 R bar इफ A2 गिवन। कहने का मतलब ये, अगर A2 गिवन होगा स्टूडेंट तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, और अगर D2 गिवन होता है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। वो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड फार्मूला है लोअर कंट्रोल लाइन, इसे बोलते हैं एल सी एल। इसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस 3R bar अपॉन D2 अंडर रूट एन जब हमारा D2 गिवन होगा, और एल सी एल का दूसरा फार्मूला है इक्वल टू एक्स डबल बार माइनस A2 R bar जब A2 गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब D2 गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वेयर एक्स डबल बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बार अपॉन एन, R बार इक्वल टू होता है सिग्मा R अपॉन n, जहां R रेंज है और x के बार क्या है मीन है, एंड n होता है स्मॉल n होता है सैम्पल साइज, जो उस क्वेश्चन की सैम्पल साइज गिवन रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का x चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो
क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, सैंपल नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मीन दिया गया है 43, 49, 37, 44, 45, 37, 51, 46, 43, 47 एंड रेंज दिया है 5, 6, 5, 7, 7, 4, 8, 6, 4, 6। फाइंड एक्स बार चार्ट ऑफ गिवन डेटा। सैम्पल साइज एन इक्वल टू 5 दिया है, D2 दिया है 2.326 एंड D3 दिया गया है 0.864। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे CL, मतलब कंट्रोल लाइन निकालेंगे। कंट्रोल लाइन को X डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। सिग्मा एक्स बार, तो एक्स बार को ऐड कर लेंगे 43, 49, 37, 44, 45, 37, 51, 46, 43, 47 को ऐड करेंगे तो आएगा 442 डिवाइड बाई टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से डिवाइड करेंगे 44.2 आ गया इसका कंट्रोल लिमिट लाइन। अब हम आर बार निकालेंगे। आर बार का फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन एन होता है। आर को ऐड, रेंज को ऐड करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, ऐड करेंगे 58 आएगा। 58 को 10 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से तो 5.8 आ गया। अब अपर कंट्रोल लाइन फाइंड करेंगे तो एक्स डबल बार प्लस 3 आर बार D2 अंडर रूट एन होता है। अभी जो है हमने कंट्रोल लाइन एक्स डबल बार की वैल्यू निकाला 44.2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई आर बार की वैल्यू 5.8 आया है। 5.8 अपॉन D2 गिवन है स्टूडेंट 2.326, तो 2.326 मल्टीप्लाइड बाई एन, सैंपल साइज दिया गया है 5, तो रूट 5। इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रूट 5 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.346। कैलकुलेटर अलाउड है तो आप आराम से इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 44.2 में 3.346 ऐड करेंगे तो 47.546 आएगा। अब ऐसे हम निकालेंगे इसका लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट तो एक्स डबल बार माइनस 3 आर बार D2 रूट एन इक्वल टू, एक्स डबल बार की वैल्यू अभी तक हमने निकाल लिया था स्टूडेंट 44.2, अब 3 आर बार अपॉन D2 अंडर रूट एन। एन की वैल्यू अभी हमने सॉल्व कर निकाला था, यह आया था 3.346, तो लिख दिया 3.346, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40.854। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या जो है CL मिल गया, UCL मिल गया, LCL मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ को ड्रा करने का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट आपके सामने है, आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो है एक्स एक्सिस पर जो है ड्रा करेंगे एंड वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा सैंपल स्पेस होता है तो इक्वल डिस्टेंस पर हमारा सैंपल स्पेस 10 दिया गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड इधर हम मीन की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो मीन की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, मिनिमम देख लीजिए, हम इसे 40 से हमारा सबसे मिनिमम आया है, यहाँ देखो लोअर कंट्रोल लिमिट 40 आया है, तो 40 से हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट 50 तक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे zigzag लगा के, इसे बोलते हैं zigzag करके हम 40 से इक्वल पॉइंट पर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 हमने क्या करा, मीन एक्स वाई एक्सिस पे ड्रा कर दिया। अब सबसे पहले हम कंट्रोल लिमिट को जो है ड्रा करेंगे। कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है 44.2, तो ये 44.2 44 और 45 के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ पे मान करके एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका कंट्रोल लिमिट 44.2। अब अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 47.546, तो 47.54 है, तो 47 और 48 के बीच में आएगा। तो इसका हमने अपर कंट्रोल लिमिट ड्रा कर दिया, अपर कंट्रोल लिमिट 47.546 एंड लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 40.85, तो 40 और 41 के बीच में आएगा 40.85, इसे ड्रा कर दिया लोअर कंट्रोल लिमिट। अब हम मीन की सारी वैल्यूज़ को देखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सैंपल वन का मीन था 43, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो अब 41 पे जाएंगे, 43 पे डॉट कर दिया, और सैंपल टू का था 49 पे ड्रा किया सीधा, एंड थ्री का था 37, तो 37 पे, थ्री का है 47, थ्री का 37 है स्टूडेंट,
तो 3 का आपका 37 है, तो हम 3 को 37 पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे आएगा 40 से भी नीचे 37 पे आएगा, ये यहाँ पे इसे क्रॉस कर दे रहे हैं स्टूडेंट, इसे क्रॉस कर दे रहे हैं। और 4 का है 44, तो 4 का आ गया हम 44 पे आ गए। 5 का है 45, 45 पे आ गए। 6 का है 37, तो 37 पे कर दिया डॉट। एंड 7 का है 51, 51 पे आ गए। एंड 8 का है 46, तो 46 पे डॉट कर दिया। 9 का 43, तो 43 पे डैश डॉट कर दिया। 10 का है 47, तो 47 पे कर दिया। और इसे हम पेंसिल से आपस में मीट करा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पेंसिल से मीट करेंगे, अब इसमें देखिए स्टूडेंट कि हमारा 2 ये कंट्रोल लिमिट के बाहर है, 2 सैंपल कंट्रोल लिमिट के बाहर है, 3 लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर है, उसके बाद 6 लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर है, और 7 लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर है, ठीक है स्टूडेंट। तो 3-4 इसमें सैंपल ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल लिमिट के बाहर हैं। जो लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट के अंदर जो होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, और जो इसके कंट्रोल लिमिट के बाहर होंगे उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे हियर सैंपल नंबर 2367, 2367 आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट, सो सैंपल 2367 आर रिजेक्टेड एंड रेस्ट सैंपल्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट। एक क्वेश्चन और लेंगे, जब हमारा A2 गिवन होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगर A2 गिवन है तो हम कैसे फाइंड करते हैं कंट्रोल चार्ट। प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा, कंट्रोल फाइंड X बार चार्ट ऑफ गिवन डेटा, सैंपल नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मीन दिया है 201, 198, 202, 200, 203, 204, 199, 193, 199, 201, एंड रेंज दिया है 507, 337, 2, 8, 5, 6, एंड एज्यूम फॉर सैम्पल साइज दिया है n इक्वल टू 5, ए टू दिया है 0.58, डी फोर दिया है 2.11, डी थ्री दिया है 0, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसमें आर बार फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में आर बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर अपॉन, आर बार का फॉर्मूला होता है यू नो आर बार इक्वल टू होता है स्टूडेंट सिग्मा आर अपॉन एन। तो जब हम सिग्मा आर मतलब रेंज को ऐड करेंगे 5 + 0 + 7 + 3 + 3 + 7 + 2 + 8 + 5 + 6, तो आएगा ये 46/10, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4.6 आ गया। अब कंट्रोल लिमिट जिसे x डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x बार अपॉन एन, सिग्मा एक्स मतलब इसमें मीन को ऐड करेंगे स्टूडेंट सारा, तो आएगा 2000/10, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस 10 है, तो आ जाएगा 200। अब अपर कंट्रोल लाइन फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x डबल बार + a2r बार, जब हमारा a2 गिवन होता है। तो x डबल बार की वैल्यू 200 है प्लस a2 की वैल्यू गिवन है आप 0.58 मल्टीप्लाइड बाई आर बार की वैल्यू है 4.6, तो 0.58 4.6 मल्टीप्लाई करके 200 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 202.668। अब हम लोअर कंट्रोल लिमिट को जो है फाइंड करेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है x डबल बार - a2r बार इक्वल टू x डबल बार की वैल्यू है 200 माइनस ए टू आर बार की वैल्यू 2.668 आया है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 197.332 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास कंट्रोल लिमिट मिल गया, अपर कंट्रोल लिमिट मिल गया, लोअर कंट्रोल लिमिट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम सैंपल लिखते हैं इक्वल पार मतलब डिस्टेंस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 10 सैंपल दिया गया है। और वाई पे हम बनाएंगे जो है मीन की वैल्यूज़ को। सबसे मिनिमम देखो आया 197, ठीक है। और यहाँ पे मीन का जो चार्ट दिया सबसे मिनिमम दिया है 193, तो 193 से लेकर के 203 तक हम इसे फाइंड करेंगे वाई चार्ट पर मीन को। यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं वाई चार्ट पे, तो 193, 194, 195, 196, 7, 8, 9, 10, 2000, 203 तक ले जाएंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट का हमारा जो मीन दिया है 201,
तो फर्स्ट सैंपल का मीन है 201, 201 पे डॉट कर दिया। टू का है 198, 198 पे डॉट कर दिया। थ्री का है 202, तो 202 पे डॉट कर दिया। फोर का है 200, तो 200 पे डॉट कर दिया। सॉरी स्टूडेंट, डॉट करने से पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ड्रा करेंगे, इसलिए सॉरी स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखेंगे अपर लिमिट हमारा 200 है, तो वाई पे जाएंगे 200 से सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हमारा कंट्रोल लिमिट हो गया। अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है 202.66, तो 202 और 203 के बीच में डैश डैश करके ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा। लोअर कंट्रोल लिमिट 197 पॉइंट है, तो 197 और 198 के बीच में हमने लाइन खींच दिया, ये लोअर कंट्रोल लिमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो 1 का क्या था स्टूडेंट, 1 का था 201, तो 1 को 201 पे डॉट कर दिया। 2 का था 198, 198 पे डॉट कर दिया। 3 का था 102 पे डॉट कर दिया। 4 का था 200 पे डॉट कर दिया। 5 का था 203 पे डॉट किया। 6 का था 204 पे डॉट किया। उसके बाद 7 का 199 पे डॉट किया। 8 का 193 पे डॉट किया। 9 का 199 पे डॉट करा। 10 का 201 पे डॉट किया, 201 पे डॉट कर दिया। उसके बाद हम इस सबको आपस में मीट कर देंगे, तो इसको फर्स्ट में मीट करा, सेकंड पे। अब सारे डॉट्स को हम स्टूडेंट मीट कराएंगे, ये वाला ये लाइन नहीं रहेगा, ये डॉट कर दिया। फिर यहाँ लाइन खींचा, दिस 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 दिस। तो हियर हम देखते हैं कि हमारा सैम्पल स्पेस आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट कौन सा है। एक तो आपका 4 है, एक 5 है और एक 8 है। एक 4 है, एक फनी सॉरी एक 5 है और एक 6 है, 4 नहीं है, 4 तो अंडर में है, 200 है, और एक आपका 8 है। तो लिखेंगे हियर 5, 6 एंड 8 आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट। सो सैंपल 5, 6 एंड 8 आर रिजेक्टेड एंड रेस्ट सैंपल्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आपको होमवर्क देंगे। तो ये आपके सामने होमवर्क दिख रहा होगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। इसका आपको एक्स चार्ट फाइंड आउट करना है, एक्स बार चार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया कंट्रोल मीन चार्ट का सेकंड लेक्चर में, कंट्रोल चार्ट के सेकंड लेक्चर में मीन चार्ट जिसे एक्स बार चार्ट बोलते हैं, इसको हमने डिफाइन करा और इसके फार्मूले बताए, और हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ, और दो क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया। होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर चार्ट, रेंज चार्ट लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।